अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बलौची टिक्के की रेसिपी, जो कि आजकल बहुत आउट ऑफ हिट चल रहा है। हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, और मैं भी मज़े में हूँ। सो इसके लिए हम लेंगे ऑयल, और बलौची टिक्के में जो है वो ऑयल ज़्यादा चलता है। कढ़ाई का फ्लेम हमने किया हुआ था ऑन, और बिल्कुल लो पर रखा हुआ था। हमने अपनी चिकन वॉश करके रखी हुई थी अपने पास, वो हुई हुई थी फ्रीज, इसलिए उसको इसी तरह हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जोश आने लगेगा ऑयल में, तो फिर उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब हमने इसको पलट दिया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करेंगे। पानी में ही जो चिकन है वो अच्छे से पकेगा और तैयार होगा। हमने फ्लेम कर दिया है तेज़, ठीक है, और इसी तेज़ फ्लेम पर जो है ये जो हमारा गोश्त है ये हो रहा है फ्राई। हम इस पर ढक देंगे ढक्कन। जी तो अब हम चेक करते हैं, ठीक है, हमारी चिकन हो रही है अभी। एक तरफ से तो इसका रंग गोल्डन हो चुका है, दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे, इस स्टेज पर हम इसके अंदर डालेंगे देसी लहसुन और हरी मिर्चें, ठीक है। हमने डाल दिया, अब हम इसको हल्के हल्का सा ऊपर नीचे करेंगे, और फिर दोबारा अगेन इसका जो है वो हम ढक्कन जो है वो ढाँप देंगे। ये हरी मिर्चें इसी के साथ जो है वो अच्छे से होंगी फ्राई। अगेन हमने इसका साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब हम ढक्कन खोल के चेक करते हैं, देख लीजिए बहुत अच्छे से चिकन जो है वो हो चुकी है फ्राई, और पानी जो हो चुका है वो खुश, ठीक है। अब हम इसको छन्ने में छान लेते हैं। और छन्ने में छानने के बाद वो बाद में उसके अंदर जो है वो हम मसाले शामिल करेंगे। जी तो हमने इसको बहुत अच्छे से जो है छान लिया था छन्ने में। अब हम जो है वो इस चिकन को वैसे ही जो है वो इसमें डालेंगे हम मसाले। ये हमने बलौची टिक्के का मसाला घर में होममेड बना के रखा हुआ था, ये हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच, ठीक है। हमने 2 चम्मच में अपने घर के लिए टिक्का मसाला जो है वो शामिल कर दिया, बलौची टिक्का मसाला। इंशाल्लाह हम आपसे भी ज़रूर शेयर करेंगे मसाला कुछ दिन में, इसे अच्छे से फ्राई करें, देख लीजिए, ठीक है। अब हम इसका फ्लेम करते हैं लो, ठीक है, लो करके अब हम जो है इसमें 2 चीज़ें शामिल करेंगे। जी तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद, 1 अदद पूरा लीमू, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने इसको लीमू को जो है उस पर तोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा 1 लीमू हमें लिया था बड़ा, ठीक है, ये पूरा हम इसमें तोड़ दिया है अच्छे से, ठीक है। और साथ ही साथ हम इस पर डाल देंगे हरा धनिया कटिंग करके, ठीक है, और इसके कोई मसाले नहीं होते, ठीक है, ये बस इसी तरह से तैयार होती है, ठीक है। ये हो गया है तैयार। जी तो ये है हमारे बलौची टिक्के की फाइनल लुक। आई होप आप ट्राई करेंगे और आपको ज़रूर से पसंद आएगी रेसिपी। पेज को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।